कल्पना सोरेन को नहीं बढ़ला कल्पना जल्पना ओडिया झियो होई पारंती झारखंड परवर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची फेरी पत्नी को उपस्थित रे विधायकों सह कले बैठक बीजेपी विरोध में मानहानी करने को जेएमएम रो धमक। छत्तीसगढ़ में बड़ माओ हमला सुकमा बीजापुर जिला सीमार सुरक्षा माओवादी एनकाउंटर तीन जवान शहीद 14 आहत आहतों करागला एयरलिफ्ट पाल्टा जवाब रे 6 माओवादी मृत। प्रधानमंत्री गस्त को नहीं राज्य बीजेपी रे उत्साह कार्यक्रम सफल करने को व्यापक आयोजन संबलपुर ओडिशा पर 24 निर्वाचन बिगुल बजाइबे मोदी। दिल्ली जिबा पई रेस रे किए राज्यसभा आसन पर निर्वाचन तारीख घोषणा पर बढ़ला चर्चा नवीन देवे की सरप्राइज आशा और आशंकर बीजेडी नेता। खड़गे गस्त पर उत्साहित कांग्रेस शिविर जोश रे दलय नेता कहले पंचसूत्र फर्मुला अनुसार आगक बढ़ दल लोकों काम कर लोकों नेता मिल टिकेट। कनिष्ठ जंत्री संपत्ति देखि जलका विजिलांस अधिकारी मालकानगिरि भड़ा घर और कार्यालय समेत एककालीन सतट स्थान में चढ़ाऊ 12 प्लट समेत कार बाइक और नगद टंका जबत बालेश्वर जलेश्वर भुवनेश्वर भी चढ़ाऊ जारी। कैपिटल हॉस्पिटल रे छोट शिशु को बापा मां छाड़ी चली घटन नुआ मोड़ मां गुरुतर असुस्थ झीव को जगवा को कही बापा मारा चंपट नयागढ़ दसपल्ला खंडपड़े पहुंची स्थित परखिला कनक न्यूज टीम। झारखंड में राजनैतिक हलचल बढ़िवारे लगी खणि दुर्नीति मामलें झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाजर होगा ईडी समन जारी करी किंतु से हाजर हो सोमवार दिन हाजर होगा नोटिस जाते से आसीनर पत्ता मिलनला ईडी पक्षर् किंतु 40 घंटा पर फेरी एक्शन मोड को आसी हेमंत रांची में बैठक पर बैठक कर बैठक में पत्नी ओडिया झील कल्पना सोरेन उपस्थित चर्चा को बढ़ाई कहुच्छ कल्पना को मुख्यमंत्री करी गादी छाड़ी पारती हेमंत सोरेन कहुच्छ ए विधायकों बैठक डाकि मुख्यमंत्री कल्पना को नहीं बढ़ला कल्पना जल्पना ओडिया झील हो पारती झारखंड मुख्यमंत्री झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी बारंबार समन पचराउचरा डाकरा नाटक भाव अंतर्धान और पुणी फेर यह चर्चा को बढ़ाई विशेषकर 40 घंटार लुचकाली पर रांची स्थित निज बासभवन में सबू विधायक और वरिष्ठ नेता साक्षात करने चर्चा को खोराक जगह बैठक में पत्नी कल्पना जोगदे राजनीति महल में कल्पना जल्पना को बढ़ाई कहुच्छ बिहार लालू राबड़ी देवी फर्मुलारे निज स्थान में पत्नी कल्पना सोरेन को परवर्ती मुख्यमंत्री करने को योजना करुछन्ते हेमंत सोरेन। जमी हेरफेर मामलें हेमंत को 10 थर समन जारी कला ईडी एमती कि सोमवार पचराउचरा हाजिर होगा हेमंत का पत्ता मिल ना ईडी कही किंतु 24 घंटा पर फेरी एक्शन मोड को आमंत ओडिशा मयूरभंज झील कल्पना सोरेन 2006 फेब्रुवारी 7 रे हेमंत सोरेन को विवाह करते से एक घर स्कूल परिचालना करुछंती बापा मां राजनीतिक परिवार नुहंती हेमंत सोरेन को विवाह करिबा परठारु 18 वर्ष हेब से राजनीतिक अति निकट देखुछंती स्वामी हेमंत सोरेन को राजनीति में लंबा अनुभव रही शशुर शिबू सोरेन राजनीति में बेस अभिज्ञ और दृढ़ खेलाड़ी ए सब दिग कल्पना सपक्ष में जाऊँ कल्पना मुख्यमंत्री पदरे रहिले मध्य प्रच्छद पटेरे रही हेमंत सोरेन ही शासन परिचालना करिबे एथिरे संदेह नहीं तेबे एने दल पक्षरु सीधासळख किछि कुआ जाय नथिले भी ईडी जाणिछुणि एभळी हैरान करथबा अभियोग करिछि झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं खूब शीघ्र बीजेपी विरुद्ध रे मानहानि मकदमा करबाकु चेतावनी देछि जेएमएम। क्या इस राज्य का जो मुख्य विरोधी दल है उनके अध्यक्ष और उनके सांसद जिस प्रकार का भाषा बोलते हैं उन पर बहुत जल्द हम लोग आपराधिक मुकदमा करेंगे सीआरपीसी की धारा 499 पर। सोमवार हेमंत सोरेन को दिल्ली बासभवन को जाते ईडी अधिकारी हेले तांकु न पाई निराश हो फेरवा बेले मुख्यमंत्री को बीएमडब्ल्यू कार को जबत करी सांगर नहीं एथसह नगद 36 लक्ष टा जबत करी ईडी यापर ईडी आउ एक टीम रांची स्थित मुख्यमंत्री को बासभवन को जाते पाइन कह तेज सोरेन बजेट व्यस्त थे और बुधवार हाजर हो माननीय मुख्यमंत्री अपने कुछ निजी काम से शनिवार को दिल्ली गए
और काम के पश्चात वो दिल्ली से लौट आए। माननीय मुख्यमंत्री केवल एक व्यक्ति नहीं, एक संस्थान है। ईडी चढ़ाव को नहीं उत्तेजना बढ़ुवर झारखंड राजभवन मुख्यमंत्री कार्यालय और बहु गुरुत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बासभवन ईडी कार्यालय और राजभवन 100 मीटर परिधि भितर 144 धारा जारी कर रिपोर्ट कनक न्यूज। राज्य सरकार को फोकस रे आदिवासी राज्य रे रहउछंती 22 प्रतिशत रु अधिक आदिवासी आ आसंता निर्वाचन रे एही वोट निर्णायक हेबो बोली कह जाउछि। तेणु आदिवासी को खुशी करबा को कसरत आरंभ करिछि बीजेडी। कैबिनेट बैठक रे लोभनीय स्कीम अणा जाइछि। एहा छडा आदिवासी को जमी किणाबिका निष्पत्ति को भी प्रत्याहार करा जाइछि। आदिवासी वोट उपरे बीजेडी आखि निर्वाचन पूर्वरु आसिला लाभ योजना। राज्यर प्राय 22 प्रतिशतरु अधिक आदिवासीको पई राज्य क्याबिनेटरे बड़ घोषणा होईछि। विशेषकरी सरकारी दररे लघु वनजात द्रव्य बिकिबाकु अणा जाइछि लाभ स्कीम। सेहिपरि आदिवासीको भाषा संरक्षण ओ प्रचार पई गठन हेबो कमिशन। 169टी संप्रदायकु अनुसूचित जनजातिरे शामिल पई केन्द्रकु प्रस्ताव देबो राज्य। আমি আর কো এন্তি টলা বেটতে রইল মোল বেটতে রইল কম রেট রে বিকি দেইতে রইল সরকার সুবিধা কলা সাম মাড়ি লগে দেলে আমি দুই পয়সা আমি লাভ রে রইব। যু জাগারে কি যু প্রাইমারি যু গা গহলে রে যু মানে রহুচন্তি সিটি 30,000 যু মহিলা মানে সিটি তাঙ্ক সহিত জড়িত অছন্তি যুটি কি হাজার এসএসজি মা মানে বি ইট হেছন্তি এবং 14টি জেলা রে এটা হেব এবং যে জায়গার কি 14টি জেলা এবং 119টি ব্লকরে এই জিনিস কার্যকরী হব। আদিবাসী ভোট কাহার 22 প্রতিশত ভোট হয়ে পারে নির্ণায়ক। যেবেঠার আদিবাসী চেহারা দ্রৌপদী মুর্মু দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক পদবীরে বসিছন্তি সেবেঠার ওড়িশার আদিবাসীকে নিয়ে শ্রেয় রাজনীতি আরম্ভ হয়ে যাইছি। রাজ্য জনসংখ্যার এই বড় বর্গ সেমানক সহ রহিতবা দাবি করে আসুছন্তি বিজেডি ও বিজেপি। ରାଜ୍ୟରେ 147 ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ 33ଟି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ସେହିପରି 5ଟି ଲୋକସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ 5 ଲୋକସଭାରୁ 2ଟି ବିଜେପି, 2ଟି ବିଜେଡି ଓ ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଖଲ କରିଥିଲା। 33 ବିଧାନସଭାରୁ ବିଜେଡି 18, ବିଜେପି 11 ଓ କଂଗ୍ରେସ 2ଟି ଆସନ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେଠୁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। आदिवासी मानू जिते असंतोष करते संतोष करने लास्ट मुहूर्त चेष्टा कर सरकार से विफल हो। राज्य सरकार 24 वर्ष धरिकी कौन करुले आदिवासी मानकर विकास कथा कहते तो 24 वर्ष भितर आदिवासी मानकर लघु वनजात द्रव्य सहित जो संपर्क अच्छी जंगल रू से लघु वनजात द्रव्य संग्रह करेंगे ताकि सीधा सड़क मार्केट बिक्री करा कथा जो दलाल रहा कथा नुह 24 वर्ष भितर आज से न्याय देना आज से हक पाईना और से भाई क्षेत्र में आज से 24 वर्ष पर कहते आदिवासी मान को विकास करने कथा ये बड़ हास्यास्पद कथा। आप जानते माननीय मुख्यमंत्री सब बड़े आदिवासी मान को सम्मान दिखती स्वार्थ को सब सुरक्षा दिखती आज ये कम्युनिटी तरफ आदिवासी कम्युनिटी तरफ माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देखा चाहे। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜମି କିଣାବିକା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କ୍ୟାବିନେଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରାଯାଇଛି। ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆଦିବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କଲା ଭଳି କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସରକାର। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲିରୁ ବସନ୍ତ ସର୍ଗରିଆ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ବିନେ ସଞ୍ଜୟଙ୍କ ସହ ଦେବାଶିଷ ସାସମଲ ଓ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାଓ ଆକ୍ରମଣ। ସୁକ୍ମା ବିଜାପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାରେ ଥିବା ଟେକଲଗୁଡ଼େମ୍ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟ ଘଟିଛି। ଏହି ମୁହାଁମୁହିଁ ଘଟଣାରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 14 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତ ଯବାନମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାୟପୁରକୁ ଏୟାରଲିଫ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ପାଲଟା ଜବାବରେ 6 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଯବାନମାନେ ନୂଆ କ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରି ମାଓ ଗତିବିଧି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀମାନେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା କୋବ୍ରା, ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଏବଂ ଡିଆର୍ଜି ଫୋର୍ସର ମିଳିତ ଟିମ୍ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ। ଦୁଇ ପକ୍ଷର ଏହି ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 3 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁରକ୍ଷା ବଳର ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣରେ
माओवादी माने घटनास्थलरु पलायन करथिले। जोनागढ़ आलीगुड़ा अंचल रे माओ विरोधी ऑपरेशन चलितबा बळे एही घटना घटिछि। 2021 मसिया रे ए टेकलगुडेम जंगल रे पुलिस माओवादी गुली विनिमय होथिले। जिला सुकमा एवं बीजापुर के सीमावर्ती टेकलगुड़म इलाका में नवीन कैंप स्थापित किए जा रहे थे। कैंप स्थापना के लिए हमारा आउटर कॉर्नर में सुरक्षा बल तैनात थे। इस दौरान माओवादी के पेटल नंबर 1 MCRC यानी फॉर्मेशन का माओवादी द्वारा जो हमारा आउटर कॉर्नर में जो लगा हुआ कोबरा और STF DRG CRPF के बल के साथ उनकी मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में हमारे जवान द्वारा काफ़ी मुंहतोड़ जवाब दिए गए थे। उसमें संभवतः माओवादी के कम से कम 6 कैडर मारा जाने का हमारे पास अभी विजुअल्स प्राप्त हुई है। साथ साथ इस घटना के दौरान हमारा जो 3 जवान है उनमें से 2 कोबरा 201 बैटलियन का और 1 CRPF 150 वाहिनी का 3 जवानों का शहादत हुई है। उन्होंने काफ़ी बहादुरी से इस मुठभेड़ में लड़ाई लड़ा लेकिन दुर्भाग्यवश 3 घायल हुआ और घायल के पश्चात उन्होंने स्पॉट में उनका शहादत भी हो गए थे। अन्य जो 14 हमारा जवान है जिन्हें स्प्लिंटर इंजरी और मामूली चोट आए थे उन्हें तत्काल अभी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इवैक्यूएट करके जहलपुर मेडिकल कॉलेज एवं रायपुर में 2 अन्य हॉस्पिटल में उनका इलाज की जा रही है। सभी जवान अभी खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज अभी लगातार जारी, उनका कंडीशन स्टेबल बताई जा रहा है और आसपास इलाके में अभी लगातार एडिशनल रीइन्फोर्समेंट पार्टी के साथ कार्रवाई की जा रही है।